वेलकम टू माय चैनल ट्राई दिस। कुछ मिनट पहले मैंने वॉल डेकोर पे एक वीडियो डाला था जो आप सब ने बहुत पसंद किया था और कई लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके बताया कि उन्होंने वो आइडिया फॉलो किया है। सो ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मैं आप सबके लिए वॉल पेंटिंग के और न्यू आइडियाज लेके आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप वॉल्स को सैंड पेपर से घिसकर क्लीन कर लीजिए। इससे सारी डस्ट और दाग जो वॉल पे रहते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद प्राइमर का एक सिंगल कोट अप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम इस वॉल को पेंट करेंगे। इस वॉल पे मेरी तीन फ्रेम्स लगी रहती हैं, तो हम इन्हीं फ्रेम्स को हाईलाइट करते हुए पेंट करेंगे। मैं यहाँ पर 6 इंचेस की बॉर्डर बना रही हूँ, तो 6 इंचेस पर एक मार्किंग कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्टली स्केल से मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ्रेम के आजू बाजू मार्किंग लगा लीजिए और उसके बाद फ्रेम निकालकर 6 इंचेस मार्क कर लीजिए। बॉर्डर्स ड्रॉ कर लेने के बाद हम इस पर मास्किंग टेप लगाएंगे। अब हम इस पे अंदर की तरफ से मास्किंग टेप लगा लेंगे। अब टेप के बाहर के साइड में हम पूरी वॉल को पेंट कर लेंगे। ध्यान रखिए आपका कलर टेप के अंदर नहीं जाना चाहिए। बेसिक कलर में हम थोड़ा सा शेड डालेंगे और इसमें एक साइड आपके रोलर दूसरे कलर में डिप करके आप वॉल पर पेंट कीजिए। इससे आपके वॉल पे टेक्सचर इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं एक शेडेड टेक्सचर इससे क्रिएट होता है जो ड्राई होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो हमारी स्टेन्ड वॉल पेंट होने के बाद ऐसी दिखेगी। ब्लैक कलर जो है हम फ्रेम्स के अंदर लगाएंगे इस पार्ट पे और जब हम इन टेप्स को निकालेंगे तो ये पार्ट हमें व्हाइट मिलेगा। पेंट अप्लाई हो जाने के बाद बॉर्डर्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ पार्ट्स रह गए हों तो उन्हें कलर से प्रॉपरली कवर कर लीजिए। इसी तरह हम बाकी के दोनों सेक्शंस भी कलर कर लेंगे। आप अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करिए। इट्स रियली अ फन एक्टिविटी। ये ब्लैक कलर प्रॉपरली पेंट हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इन टेप्स को निकालेंगे। पेंट ड्राई होने के बाद द बेस्ट पार्ट्स, अब हम टेप्स निकालेंगे। देखिए कितनी क्लीन एजेस आई हैं। अभी इसी तरह हम बाकी के भी टेप्स निकाल लेंगे। आप इस प्रोजेक्ट को अपने बच्चों के साथ कीजिए, वो इसे बहुत एंजॉय करेंगे।
देखिए ये तीनों फ्रेम्स जिसे हमने हाईलाइट किया था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। यूजुअली लोग ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप इसे हाइलाइटर की तरह यूज़ कीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम इसमें फ्रेम्स लगा के दिखाते हैं। तो देखिए ये है हमारा फाइनल लुक, हमारी फ्रेम्स इससे बहुत ही उभर कर दिख रही हैं और ये वॉल बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको ये टेक्सचर एसेंट वॉल पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So don't be late and try this.